तो वेलकम है गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव और जनरल दोनों के लिए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर फोर। ठीक है, बीए सेमेस्टर फोर इकोनॉमिक्स, जेनरिक इलेक्टिव और जनरल। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए यही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, कृषि अर्थशास्त्र रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर में आपको, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सच बताऊँ तो बहुत ही मज़ेदार टाइप के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन भिड़ेंगे आपके। तो देखिए पहला है इसमें कि आंसर एनी फोर क्वेश्चन, जिसमें से प्रश्न संख्या एक कंपलसरी है। किन्हीं चार प्रश्नों के आंसर करने हैं, टोटल है आपका 80 मार्क्स का एग्जाम है, 24 मार्क्स पासिंग होता है इसमें, 24 मार्क्स पासिंग होता है सब पेपर में, जितने भी 80 मार्क्स के एग्जाम है सब के लिए 24 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर वन दो अंकों वाले पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए ऑब्जेक्टिव को करते हैं और देखते हैं, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, मजाक नहीं बोल रहा सच में। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन के निर्माता कौन थे, भूदान मूवमेंट क्रिएटर इज। तो दोस्तों भूदान, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पता चलेगा कि भूमि को दान दिया जाने वाला आंदोलन। तो इस आंदोलन को चलाया था दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, और आचार्य विनोबा भावे के नाम से झारखंड के हजारीबाग जिले में एक यूनिवर्सिटी भी चलती है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। और इनको भारत का पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे को, इसको भी याद कर लीजिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अच्छा होगा। बी नंबर क्वेश्चन है कि वित्त में, कृषि वित्त में जो सर्वोच्च संस्था यानी कि सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। दोस्तों इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैक्स, पैक्स में आप लोग धान वगैरह बेचते हैं। ठीक है, तो वही पैक्स की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो सबसे बड़ी संस्था है पैक्स की नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड एक बैंक है और उसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी, इसमें पूछा गया है कि भारत का विदेशी व्यापार किस देश से सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों विच कंट्री हैज मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड विथ इंडिया। तो दोस्तों बता दो कि भारत का जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है ना, वह अमेरिका के साथ होता है, दूसरे नंबर पर चाइना के साथ होता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि चाइना का सामान मत खरीदिए यार, सरकार ही व्यापार करेगी तो कौन नहीं खरीदेगा, सस्ता चीज़ है, अगर बैन करना ही है तो सरकार को बैन करे ना। ठीक है, आप लोग और हम लोग के बीच में नहीं लड़ना है कि तुम चाइनीज सामान खरीदना है, नहीं, सरकारवा आने दे रहा है अंदर में तब ना आप खरीद रहे हैं, अगर सरकार आने ही ना दे देश में तो आप कैसे खरीदिएगा। ठीक है, तो खरीदिए यार, पूरा चाइनीज सामान खरीदिए, कौन बोलता है नहीं खरीदिए, अगर रोकना है तो सरकार रोकेगा, आप लोग नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, डी नंबर है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में जो राइस प्रोड्यूसिंग है सबसे ज़्यादा करता है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता, जो कि भारत की पुरानी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 12वीं योजना, जो पंचवर्षीय योजना चली थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना 5-ईयर प्लान, तो इसमें लक्ष्य कितना था। 12वीं योजना में आर्थिक विकास का जो लक्ष्य रखा गया था वह रखा गया था 9%। और दोस्तों अब जो पंचवर्षीय योजना है उसके बदले में अब चल गया है क्या, तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके अब चला है क्या बोलते हैं यार उसको, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना की गई है 2015 से, 1 जनवरी 2015 से, उसको भी याद कर लीजिएगा कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके कौन सी नई योजना शुरू की गई है, तो नीति आयोग की। अब आता है क्वेश्चन नंबर वन का भाग भी, इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं इन दोनों का, और 100 शब्दों में आंसर कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। पहला है भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म, और दूसरा है भारत के प्रमुख आयात मेन इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोनों को करना है। अब आते हैं सभी आपके 20 अंकों वाले क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको करना है 500 शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 400 से 500 शब्दों के बीच अगर आप आंसर करते हैं तो वह आपका एक अच्छा आंसर माना जाएगा, आदर्श आइडियल आंसर माना जाएगा, बशर्ते कि आपकी राइटिंग अगर अच्छा है तो 20 में से आपको 18 नंबर 16 नंबर तक मिल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं की व्याख्या करें।
भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को कैसे तीव्र किया जा सकता है। आप चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हाउ कैन डेवलप ऑफ इंडियन इकोनॉमी बी एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आंसर करें, उसमें पढ़िए, लेकिन पढ़िए यार। तीन नंबर है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ये भी बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट इम्पैक्ट हैज इट मेड ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया था कि भारत में ग्रामीण साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भारत में ग्रामीण साख की संस्थागत स्रोतों की व्याख्या करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। तो इसमें पूछा गया है कि 1991 से भारत में विदेशी व्यापार की बनावट तथा दिशा में हुए परिवर्तनों की विश्लेषण करें। ठीक है, और 1991 में दोस्तों क्या आया था भारत में, तो भारत में गेट लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। पहले तो इसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें पूछा गया था कि भारत में लोहा इस्पात या चीनी उद्योग के वर्तमान स्थिति तथा समस्याओं का वर्णन करें। ठीक है, लोहा इस्पात, लोह आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इन सब के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया था कि कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग के बीच अंतर स्पष्ट करें, लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व एवं समस्याओं पर प्रकाश डालें। आगे देखते हैं इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था कि डिस्कस, यार हिंदी को पढ़ते हैं, आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार के महत्व एवं भूमिका का वर्णन करें। आर्थिक विकास में जो विदेशी व्यापार है इसका कहाँ तक महत्व है यार, कहाँ तक रोल निभाता है, उस चीज़ को बताना है। ठीक है, इंग्लिश में है डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि आपको जिन प्रश्नों का आंसर नहीं मालूम है या फिर मालूम भी है फिर भी प्रत्येक प्रश्न में 10-15 लाइन करके घर में लिख लें, तैयार कर लें, कम से कम उतना लिख के जाएंगे ना तो एग्जाम में आप इजीली लिख पाएंगे। और इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर आप कानाफूसी या फिर मतलब कानाफूसी नहीं बोलना चाहिए, चीटिंग करने के फेर में रहेंगे, चोरी के चलेगा या नहीं चलेगा, तो मुझे लगता है कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, तो मेहनत कीजिए एंड एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। बाकी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट पेपर सेक का पेपर भी जल्द ही अपलोड कर देंगे, और अपलोड हो गया है बहुत सारे वीडियो, आप देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।